एक्शन और मोटर इमिटेशन ऑलमोस्ट सेम मेरे काम होते हैं, तो मैं ये भी एक एक्शन कर रहा हूँ तो चाहे ये मतलब पॉइंटिंग ऑफ मैं कर रहा हूँ तो बच्चे को भी यही कर रहा हूँ कि एक्शन है तो कहा है वॉक है तो भी एक एक्शन है, मोटर इमिटेशन है तो सिट स्टैंड है जो भी है वो एक्शन या मोटर सेम। इसके कॉन्ट्रेरी दूसरी जो ऑपोजिट आती है वो होती है वर्बल, वर्बल इमिटेशन या वोकल इमिटेशन उसी का पार्ट आ जाता है। तो ये दो इमिटेशन बेसिकली होती है, वन एक्शन या मोटर और दूसरी वर्बल या वोकल आप कह रहे हो, ये दो इमिटेशन समझ आती है कैटेगरीज के लिहाज। तो इसको मोटर इमिटेशन या एक्शन इमिटेशन कैसे कराएंगे बच्चों को? कुछ कहेंगे कैसे करो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करो, जैसे ये कर रहे वैसे करो, ठीक होगा, डू दिस इंस्ट्रक्शन हो गया। अब वो खड़े होकर भी हो सकती है, वो बैठ के टेबल टॉप पे भी हो सकती है, कोई चीज़ जो मैंने किया वो ब्रशिंग कर रहा है, ब्रशिंग कर रहा है, ब्रशिंग कर रहा है, जो भी मतलब डिफरेंट उसमें हो सकता है इमिटेशन में। चले इसको फिर मैं चाहता हूँ कि अब्दुल्ला को तकी अब्दुल्ला को छोड़ दो ये करवाएं इमिटेशन। तो इसकी मदर का एक कंसर्न पांच पहले आया था, मुझे भूल गया बीच में, तो मुझे अभी ख्याल आया कि मैं उन्होंने कहा था कि इमिटेशन का डिमॉन्स्ट्रेट कर दें अगर कैसे कराते हैं, ठीक है वो करा लेते हैं वो चीज़। और दूसरी चीज़ उसमें ये होता है कि जो इन दोनों इमिटेशन वर्बल और मोटर इमिटेशन में से ये आसान होती है मोटर एक्शन जो है, इससे इसके जरिए हम उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं बच्चे का, एक उसको कॉपी करने की समझ आए, कॉपी इमिटेट करना क्या होता है। जब उसको वो समझ आ जाता है अब हम उसको फिर वोकल या वर्बल की तरफ ले जाते हैं कि हम उसको मैं आवाज़ निकालता हूँ तो वही आवाज़ निकाल लें, ऐसे करो आ, ऐसे करो ओ, ऐसे करो बॉल, ये उसमें वर्बल। अब क्योंकि वो पहले से बन चुका होता है उसका कॉन्सेप्ट उसका, अब उसको वो उसको वर्बल इमिटेशन की तरफ आना आसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पहले से कॉन्सेप्ट ही ना बना और डायरेक्ट मैं वर्बल पर कोशिश करूँ तो वो शायद इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा। इमिटेशन हम कराते क्यों है पहले ठीक हो गया और फायदा क्या है क्यों करते हैं सर, ताकि वो कुछ बेसिक चीजें लर्न कर ले जो हम सिखाना चाह रहे हैं। क्या जो सीख लिया इमिटेट करना उसको आ गया बस। अब इमिटेशन इट्स अ टूल बेसिकली जो मैं आपसे आपने इमिटेशन जब सिखा दी ना अब उसको एफ कैसे लिखना है आप कहते हैं ऐसे लिखो आप उसको लिख के दिखाते हैं वो उसको कॉपी कर लेते हैं। इमिटेशन के एक पार्ट स्किल उसको आ गई। अब इट्स अ टूल टू टीच हिम एनीथिंग। कंप्यूटर इज अ डिफिकल्ट वर्ड उससे बोला नहीं जा रहा, मैं उसको बोलता हूँ देखो ऐसे बोलो कंप्यूटर। अब ये आवाज उसको जा रही है सुनने में, वो उसको प्रोसेस करता है, वो उसको इमिटेट करता है, उसको हटर कर देता है, वो उसके लिए। सो इट्स इमिटेशन, ये एक हेल्पिंग टूल है आपको, टीचिंग टूल है फॉर टीचिंग एनीथिंग नंबर ऑफ थिंग्स। मोटर इमिटेशन में साइकिल पैडल चलाना उसको समझ नहीं आ रहा, वो उल्टा चला आ रहा है पैडल, मैं उनको कहता हूँ नहीं ऐसे चलाओ, अब वो मैं उसको दिखाता हूँ कि कैसे चलाओ, वो देखता है मुझे कि बहुत कैसे हो, तो वो उसको करेगा। प्रीरिक्विजिट्स इसके क्या होते हैं इमिटेशन सिखाने के? इमिटेशन सिखाने के प्रीरिक्विजिट क्या है? उसकी लाइक होनी चाहिए, पता होना चाहिए अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये ऐसी चीज़ वो तो सिखाना है हमने, वो तो नहीं पता है
उसकी ये है कि अगर मैं मोटर इमिटेशन करा रहा हूँ तो उसके लिम्स मूव करते हैं, उसके पॉसिबल है। अगर वो सी पी है फॉर एग्जाम्पल, उसको उसकी मोटर मूवमेंट सी अभी उसकी अच्छी नहीं है बिल्कुल, तो मैं उसको एक्शन इमिटेशन उतनी अच्छी नहीं सिखा। एक बच्चा मेरे साथ बैठा है और वो हिली जा रहा है, तो वो कैसा है उसको देखना होगा मुझे कि वो क्या करता है, ऐसे करता है जैसे करता है, ऐसे बैठो। अच्छा, एक बच्चे वो अटेंशन ही नहीं दे सकता, उसको तवज्जो देना ही नहीं, वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, अटेंशन का स्पैन उसका इतना देखता है, फिर इतना देखता है, बड़ी जल्दी ब्रेक कर देता है अटेंशन स्पैन, अटेंशन नहीं दे पाता। अब मैं उसको एक्शन इमिटेशन में भी सिखा सकता हूँ, बेशक उसकी मोटर मूवमेंट्स हैं, तो फिर एक अटेंशन आ गई, एक उसकी मोटर मूवमेंट्स आ गई, वो होनी चाहिए। और अब उसको जो है मैं कॉग्निशन उसकी जो बढ़ेगी कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ऐसे करो पे जो चाह रहा हूँ, वो मैं प्रॉम्प्ट करके फेड करके उसको सिखा सकता हूँ। लेकिन अगर ये दो चीज़ें उसकी नहीं है, अटेंशन स्पैन उसका नहीं है, उसकी अटेंशन मोटर स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, और वो तवज्जो ही नहीं अभी चीज़ों को दे सकता, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो इमिटेशन में इसको नहीं सीखा। तो फॉर टीचिंग इमिटेशन मुझे ये काम पहले उसको बिल्ड करना है। व्हाट जी सर, चलो फाइन, चलो इसको कराते हैं इमिटेशन। आओ जी इमिटेशन करें, तुम्हारी इमिटेशन में क्या करें तुमने मेरे साथ, जाओ कौन करेगा समथिंग अंडरस्टैंड कि हमने उसको सिखाना क्या है इमिटेशन में, और एट द सेम टाइम उसमें जो चीज़ है शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही विल परफॉर्म इट वेरी परफेक्टली और 100% सही करेगा शुरू में, उसके दूसरे फैक्टर्स भी तो जहन में रखे ना, हाइपर एक्टिविटी, लेस अटेंशन स्पैन, ठीक है जी, बिहेवियरल इशूज, एक्सप्लॉयटेशन, ये फैक्टर्स को जहन में रखते हुए मैं उसको उन चीज़ों इन फैक्टर्स को भी काम करूँगा, उसको भी इम्प्रूव। जो बड़े फिर वो बोली जो बड़े वेट जो बड़े जो जो और एट द सेम टाइम ये जो स्किल है इमिटेशन की ये भी इसको सिखाऊंगा। तो ये बिहेवियर्स भी साथ आएंगे। अच्छा, दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक चीज और होती है कि जब आपने इमिटेशन को करानी वेट वेट तो इमिटेशन के लिए फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो सेम होनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर इससे इमिटेशन कराना चाहूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने ये रख लिया और उसने ये रख लिया, मैं इसको आगे ये पढ़े हुए और मैं इसको कहता हूँ कि ऐसे करूँ ये ऐसे करे, तो ये चीज़ें सेम होनी ज़रूरी है, सेम इन ऑल पॉसिबल साइज शेप कलर आइडेंटिकल। अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो फिर वो शायद, अगर वो मैंने ये किया था यहाँ से ये किया था, इवन अगर ये दोनों ग्रीन है मैं इसको कहता हूँ ऐसे करो, वो अगर इसको नहीं उठाता तो इसके पीछे एक रीज़न इसका साइज भी तो है कि इसके पास ऐसा है ही नहीं है, तो इट शुड बी आइडेंटिकल दोनों चीज़ों पर जो आप काम करा रहे हैं। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इमिटेशन जब आपने सिखानी है तो आपके पास जो चीज़ें जिनसे आप उसको करवाएं वो सेम होनी ज़रूरी है। अगर वो सेम नहीं है बिल्कुल तो फिर उसमें शायद आप उसको एक्यूरेटली उसकी वो जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पिक करेगा। अच्छी दूसरी चीज़ उसमें आ जाती है कि थर जो आप पहले बात करें पैरेलल और ऑलरेडी डिजाइन, पैरेलल इमिटेशन ये जो मैं कर रहा हूँ साथ साथ वो कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि मैं इसको क्या करूँ कि ये एक चीज़ पहले से बनी हुई है, मैंने बना के रख दी है कि इस तरह इसको देखो और इस तरह का यहाँ पे कॉपी करो, दिस इज ऑलरेडी डिजाइन, ठीक है। अब ये लेवल के ऊपर जितना जितना उसका लेवल आज बढ़ता जाता है हम उसको
उस तरह से चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। दिस वे इट शुड बी। इमिटेशन का अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ब्लॉक्स के साथ जो है सेम ब्लॉक सेम ऑब्जेक्ट एक तरह के उनसे इसको किया ज्यादा अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज उसको आप किसी दूसरे किसी से करवाई तो शायद वो कर तो लेकिन नॉट विद विद से टू उसका जो चीज़ें लर्न करनी चाहिए एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट उसका वो शायद उतना अच्छा बिल्ट ना हो। ये आपके ये मेरे ये दो ऐसे करो ऐसे ओके स्टॉप 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 ये देखो ये ऐसे चलो करो आप ऐसे आहा वेरी गुड नाइस डूइंग ओके निकल ऐसे करो very good nice doing good one अब ये देखो ऐसे करो ऐसे ऐसे ये देखें देखिए ऐसे करो ऐसे करो ऐसे गुड बॉय नाइस ये देखो ऐसे करो उसको बच्चे को पे खो भी जाए उसकी हाइपर एक्टिविटी की आदत उसके रेपिटेटिव पैटर्न्स उसकी आदत है कि चीज हाथ में आए तो हरकत करते रहे। अब जब वो उसको लगाएगा हाथ वो जहन से उसको एक सिग्नल जा रहा है कि तुमने दो उठाने हैं और उनको ऐसे खड़े करना है या एक उठाना है उसके ऊपर ऐसे रखना है सिग्नल उसको ये किया उसने देखा है कॉपी करने के लिए द मोमेंट ही टचेज इट अब वो उसमें रेपिटेशन में उसके साथ वो उस वाला अंदाज हो जाता है खेलने वाला। दिस वट वॉज माई पॉइंट के प्री रिक्विजिट्स हर चीज के प्री रिक्विजिट्स होते हैं ना तो इसका इमिटेशन का प्री रिक्विजिट ये उसकी मोटर स्किल्स उसकी एयर टेंशन प्रोसेसिंग हाइपर एक्टिविटी उस लेवल की बेहतर हो जिसमें कि वो उसको परफॉर्म करने में आसानी हो। गुड बॉय नाइस डूइंग गुड बॉय गुड बॉय ओके चलो ऐसे करो ये देखो ऐसे चलो करो ऐसे करो very good nice going good boy okay ab ye dekho ab phir idhar aise karo aise
Very good. Nice doing. Good boy. Good boy. Good boy. अब ऐसे करो, वेरी गुड, नाइस, ओके, हियर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड अदर चैप्टर में जाओ, ये देखो ऐसे गुड वन, ये देखो ऐसे करो देनी पड़ती है और उसमें एट द सेम टाइम उसकी जो प्रोसेसिंग सही एक चीज को क्या करना है वो बढ़ना चाहिए, इस चीज को क्या करना है वो करे, बाकी काम ना ये वाला काम ना करे। अब इस एट द सेम टाइम इसकी टुडे ही इज मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज से 3-4 वीक्स बैक मैं इसको देखता हूँ तो इसकी हाइपर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी जी सर कि इसको बिठाना इसको फोकस कराना ही मुमकिन नहीं था जी सर। शायद वो जो उसकी मदर का एक आया उसके लिए मुझे हुआ कि भाई इसकी ये प्री रिक्विजिट्स पे हमें पहले काम करते रहना चाहिए जी सर। ठीक है सर, मैंने इसकी ड्रिल स्टार्ट करवाई हुई है ऑल एरियाज में, मैं इसके बिहेवियर्स को टारगेट कर रही हूँ। पहले मैंने टारगेट किया हाइपर एक्टिविटी को और विजुअल स्ट्रीमिंग को, जब वो मुझे बेहतर लगी तो अब मैं इसकी टारगेट कर रही हूँ हाइपर एक्टिविटी प्लस वोकल स्ट्रीमिंग, और हम ऑल एरियाज इसको टारगेट कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि ये प्री रिक्विजिट्स को मीट होना उसके साथ जरूरी है कि अगर हम उसको एक स्किल उस अंदाज में सिखाना चाहते हैं तो ये चीज़ें फिर उसकी इंपॉर्टेंट है कि हम उसको एड्रेस करें। चलिए दैट्स फाइन, इस तरह से आप उसको ये जारी रखें और अपने इसके वीकनेसेस को अलग से टारगेट रखें। गुड, इट इज मच बेटर। थैंक यू सो मच सर। गुड बॉय। थैंक यू। थैंक यू।